नाम है? सोहन लाल पटेल। कहाँ से आए? ग्राम कंपेल। क्या लेके आए? लहसुन। कितने कट्टे? 41 कट्टे। क्या भाव गया आज? 10,280। ऊपर में कितना गया? ऊपर का 11,000 तक गया। नीचे में? नीचे में तो जैसा माल भी था 4,000-5,000 तक, 3,000-2,000। कितने बीघा बोया था? ये तो हमने 6 बीघे का बोया। उत्पादन कितने बीघा में आया आपको? 6 बीघे में से अभी तो ये इतना माल लेके आया, अभी माल बाकी निकल रहा है अभी। ऐसा भाव लगातार गिर गए क्या? हाँ, भाव गिर गया, इसलिए तो जितना निकला उतना लेके आ गए। अच्छा, क्यों गिर गए भाव? कुछ नहीं, मैं इसको। अच्छा, और अब भाव बढ़ेंगे का संभावना है आने वाले समय? अब अभी तो ऐसा नहीं लगता, बाद में बढ़ेंगे तो जब तक इतना माल सूख जाएगा हमारा। अच्छा, तो नुकसान हो जाएगा? हाँ, नुकसान तो होगा बिल्कुल। लहसुन को स्टोर करके रखा जा सकता है कि नहीं? स्टोर रखा जा सकता, सुखा के, पर इसका वजन आधा रह जाता है। आज की जो पोजीशन है, मान लो 65 किलो का कट्टा है तो 35-40 किलो रह जाएगा लास्ट में मई जून। अच्छा, मतलब अगर छुपा के रखेंगे तो भी नुकसान है? हाँ बिल्कुल नुकसान है। आज जो भाव बिका है इससे मतलब ये समझ लो 60% ऊपर बिकेगा तो रेंज में आएगा। अच्छा, इतना 60% का सूख जाता है। आपका नाम? सोहन लाल। चलो, क्या नाम है? विजय पटेल। कहाँ से है? गांव खजरा। क्या लेके आए? लहसुन। कितने क्विंटल लाए? आज तो कमी थी, 10 कट्टे थे। 10 कट्टे से क्या भाव गया आज? आज गए 8,000 रुपये। अधिकतम कितना गया? अधिकतम गई 12,000 रुपये तक। 4,000-5,000। कितने बीघा में बोया था? 6 बीघे की। उत्पादन कितने बीघा में आया? 20 क्विंटल बीघे का। कौन सी क्वालिटी का है? अमलेटा। कौन कौन सी क्वालिटी आती है मंडी में? मंडी में ऊटी आती है, G2 आती है, रियावन आती है, अमलेटा आती है और तुलसी आती है। अच्छा, आज कितने कट्टे माल आया हुआ? आज करीब है 30,000 कट्टे माल। अच्छा, और कितनी लागत लगी थी अपने को? लागत तो खर्चा तो बहुत लगता है इसमें। अच्छा, उत्पादन फिर कम हुआ? उत्पादन 20 क्विंटल बीघे का हुआ। लगातार भाव बढ़ रहे फिर एकदम कम तो होंगे? अभी तो क्या है कि किसान के माल आता है, जब भी आता है, जब किसान का माल चालू होता है तो भाव ऑटोमेटिक कम होने लग जाता है, इसलिए कम हो गया। आपका नाम? विजय पटेल। मैं पकड़ लूंगा। हाँ। क्या नाम है? मेरा संतोष पटेल। कहाँ से है? कमलिया खेड़ा से। क्या लेके आए? लहसुन। क्या भाव गया लहसुन? लहसुन गई 8,500। कम हो गए भाव? कम हो गया भाव, लगातार गिर रहे। लगातार गिर गया भाव। अधिकतम कितना गया मंडी में? अधिकतम 10-10 से 10.5। और नीचे में? नीचे में 7,000-6,000-5,000। लगातार भाव क्यों गिर रहे हैं, कुछ कारण पता है? अब कई कारण, अब किसान को कई मालूम पता लगा। और कितने बीघा में बोया था? अपने तो लगाया था 1.5 बीघे में। और उत्पादन कितना आया? उत्पादन आया 10-12 क्विंटल भी आया और 20 भी आया। अच्छा, लागत कितनी लग गई थी? लागत तो अब समझ लो कि 1 बीघा में 60-70 हजार रुपया। कितने मिले अपने को बेचने पे? मिल गए, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अरे सब बराबरी जी क्यों बराबर गया। हाँ। अच्छा, भाव तो लगातार बढ़े फिर एकदम कम क्यों हो गए? अब कहीं पता एक से आके भाव किसान को तो बेचारा को बेचने पड़ता है। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट चालू हो गया था, फिर एक्सपोर्ट बंद हुआ तो उस कारण प्रभाव पड़ा? हाँ, उससे प्रभाव तो पड़ा है, तो कि अमेरिका को बोलियो तो, और अपना दो ब्राजील का दो को बोले तो मोबाइल में आए तो कि इनको निर्यात करेंगे। अच्छा, हाँ, कर दिया तो इसलिए। हाँ, चलो ठीक है। आपका नाम? मेरा संतोष राम प्रसाद जी, कमलिया खेड़ा।